एसीसी देके आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे आपको वीसीसी का कनेक्शन होगा F2, और जो आपका एसीसी जो है मतलब जहाँ पे आपको ऑफ करने से ऑफ हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगा और ऑन। जैसे मैं F2 को निकालने वाला हूँ, तो ये जो फ्यूज़ पुलर है आपको ऐसे क्लिप को दबाना है ऐसे करके, ठीक है। पूरा जो व्यू एकदम उलट गया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम आप फेस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फिर से हाजिर है और एक टेक्निकल वीडियो में। दोस्तों पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो मैं डैश कैम इंस्टॉल करने वाला हूँ, DDPi मोला N3 प्रो, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है फुल दिखाने वाला हूँ। जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ यहाँ पे, जो मेन कैमरा है मोला N3 का वो है, रियर कैमरा भी है इसका, और पार्किंग मोड एनेबल करने के लिए जो हार्डवेयर किट आता है उसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा कि डे टाइम और नाइट टाइम में कैसे इसका फुटेज आता है, और एक ऐप आता है जिससे आपको फ्यूचरिस्टिक लुक थोड़ा मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और फुल प्रोसेस को देखें। मेन बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो आपको मेन कैमरा मिलता ही है, और साथ ही साथ आपको और एक केबल मिलता है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप पार्किंग मोड एनेबल नहीं करना चाहते हैं तो यही केबल आपका मेन केबल है जो आपका पावर सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पार्किंग मोड को एनेबल करने वाला हूँ तो इसके लिए ये किट का ज़रूरत है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये केबल लाइन पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से देखने में होता है। यहाँ पे आपको दो कनेक्टिंग केबल मिलता है, VCC ग्राउंड और ACC बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली VCC जो है यह है कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई सोर्स गाड़ी बंद होने के बाद भी वहाँ पे पावर रह जाए, और ACC में ऐसा कोई सोर्स देना पड़ेगा चाबी ऑफ ऑन करने से यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑन होगा। ओके, ये जो ग्राउंड का जो केबल है, गाड़ी का कोई भी एक बॉडी जो मेटल पार्ट है वहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, तो हर एक पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अंदर में हाइड कर दें ताकि देखने में ख़राब ना लगे। डोर का जो गैस्केट है आपको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा पुल करने से वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे आपको एक प्रे टू मिलता है, यह इंस्टॉलेशन टूल मिलता है, इससे आपको केबल को अच्छे से ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट्स है साइड में, यहाँ पे अगर केबल इजीली नहीं जाता तो इससे आपको पुश करके या स्पेस बना के केबल को अंदर से डालना है। ये जो केबल जो है टाटा नेक्सन के सामने वाला जो पॉइंट जो है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, हाथ से ही ऐसे केबल को डालने से इजीली चला जाता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ पे आपको कैमरा इंस्टॉल करना है आपको केबल उतना बस यहाँ तक रखना है बस, और उसके बाद बाकी का जो केबल है इसके अंदर में आपको ट्रेसिंग करके ले जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए केबल अंदर चला गया, और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। जब साइड वाला जो गैस्केट जब आप खोल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सफिशियंट प्ले मिल जाएगा केबल को अंदर में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे प्रे टूल का ज़्यादा काम आता है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि केबल को अंदर डालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो प्रे जो टूल है यहाँ पे आपको थोड़ा दे यहाँ पे डाल के थोड़ा यहाँ से चाड़ना है ऐसे करके हल्का से, ठीक है। तो देखिए स्पेस बन गया और इजिली आपका केबल भी अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको केबल को डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत वीडियो में दिखाया जाता है कि इस पैनल को पूरा खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरत नहीं है। कोई भी गाड़ी में जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस प्रे टूल का यूज़ कीजिए, तो पैनल का खोलने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम जाता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी खोलना नहीं पड़ा और केबल इजीली यहाँ से बहुत बेहतरीन वे में चला गया है, और कुछ भी यहाँ से बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिनिशिंग में एकदम बढ़िया ही है। नीचे में यहाँ पे आपको एक लॉक मिलता है, तो ये आपको पुल करना है थोड़ा ज़ोर से, तो ये खींच के बाहर में आ जाएगा। एक स्पेशल टूल आता है इसको खोलने के लिए, लेकिन हम लोग के पास तो है नहीं, एक यू क्लैम टाइप का होता है, तो हाथ से काम चलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये पैनल आपको हटाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस इस लॉक को खोलना है, ठीक है। और नीचे से थोड़ा पुल करने से ये पैनल खोल के आ जाता है। ये पैनल खोलना मैंडेटरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो ग्राउंड का जो कनेक्शन है केबल का, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ग्राउंड का जो कनेक्शन है इसको आपको बॉडी के साथ, ये जो ग्राउंड का जो कनेक्शन है यहाँ पे, तो इसको आपको बॉडी के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इस पैनल खोलने के बाद आप ये जो आप कवर है इसको हटाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नट बोल्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसको लूज़ करके जो यू क्लैंप है यहाँ पे ग्राउंड का, इसको अंदर डाल देना है, तो ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ पे बॉडी हो जाएगा। केबल नीचे की के तरफ से ऊपर यहाँ चला जाएगा, तो वो भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको ओपन करने के लिए 10 mm का आपको यहाँ पे रैचेट का गोडी लगेगा, क्योंकि इसका 10 mm का हेड है।
तो दोनों में कोई भी किसी को खोल सकते हैं। तो मैं इसी को अटेम्प्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लूज हो चुका है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको जब आप खोल रहे हैं तो सरफेस को थोड़ा आप क्लीन कर लो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर डाल के या यहाँ पे लाइन टेस्टर डाल के सरफेस को क्लीन कर लो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पेंट देख पा रहा हूँ अंदर में। तो अगर ये पॉइंट ठीक से ग्राउंड नहीं हो पाएगा, मतलब ग्राउंड का जो तार है वो ठीक से अगर बॉडी नहीं हो पाएगा तो कैमरा ठीक से काम भी नहीं करेगा और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए थोड़ा आप इसको खुरेद दो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे। और एक चीज़ बात दोस्तों, नीचे का पार्ट मैं पहले कंप्लीट कर ले रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा जो केबल है आपको कहाँ और कितना रोल करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो उधर का डेस्टिनेशन आपको फिक्स कर लेना है और इधर का आपको देख लेना है कि कितना केबल आपको चाहिए, बीच का केबल कहाँ पर कितना रोल होगा वो अंदाज़ा आपका क्लियर हो जाएगा। तो केबल अंदर में पूरा यहाँ पे छुप गया अंदर में, अभी तक गैसकेट लगाया नहीं है। और एक सिलेंडर टाइप का जो एडेप्टर टाइप का रहता है उसको मैं यहाँ पे अंदर डाल कर रखा हूँ, ठीक है, इसके अंदर में है। तो पोजीशन आप देख लीजिए, ए पिलर का जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है, वो गोल वाला सिलेंडर का जो एडाप्टर टाइप का दिखने को मिलता है वो वाला। ओके, यहाँ पे कैमरा को मैं लास्ट में इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि मेन जो झंझट वाला जो काम रहता है ये वायरिंग का रहता है, वायरिंग है, ड्रेसिंग है, ये सब है कनेक्शन का। कैमरा को बिठाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बस सी पोर्ट को जस्ट कनेक्ट ही करना है, तो उसको मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा दो सोर्स से आपको, जैसे मैं आप पहले बताया VCC और ACC। ACC ऐसा पॉइंट कहीं से टैप करना है जहाँ पे आपको गाड़ी का चाबी जब आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे सप्लाई आएगा, जब ऑफ करेंगे सप्लाई वहाँ पे चला जाएगा। VCC जो है गाड़ी ऑफ करने के बाद भी कॉन्स्टेंट सप्लाई वहाँ पे रहेगा, हेल्प से कैमरा का जो पार्किंग मोड है वो ऑन हो जाएगा, 1 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहेगा। और यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके नीचे पे आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख सकते हैं जहाँ पे मैं यहाँ पे टैप करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो VCC है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, वो मैं F2 से लेने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है ACC B पॉजिटिव OBD 15 amps, ठीक है। तो ये ACC देख के आप कन्फ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे आपको VCC का कनेक्शन होगा F2। और जो आपका ACC जो है, मतलब जहाँ पे आपको ऑफ करने से ऑफ हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगा और ऑन करने से सप्लाई आएगा, तो वो मैं F8 से करने वाला हूँ, ठीक है। पावर सॉकेट फ्रंट FRT 15 amps। तो इस दो फ्यूज से मुझे टैप करना है। टैप कैसे करना है, यहाँ पे देखिए जो हार्डवेयर किट आता है यहाँ पे आपको एक मिनी का स्पेसिफाइड कनेक्टर आता है मिनी, तो ये नेक्सॉन में लगेगा। और यहाँ पे आपको दो फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, एक तो जो एग्जिस्टिंग फ्यूज़ है गाड़ी के अंदर में वो इसमें लग जाएगा, और इसमें भी कुछ फ्यूज़ दिया जाता है वो कैमरा प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए जो फ्यूज़ दिया जाता है वो है 2 amps का यहाँ पे, ठीक है। तो ये कनेक्शन कैसे होगा, इसका मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर आप फ्यूज़ को इस मतलब सॉरी केबल को अगर इस तरफ से होल्ड करते हैं तो ये नीचे दिस प्लग इनटू दिस फ्यूज़ बॉक्स, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ऊपर में जो दो स्लॉट है यहाँ पे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये ओरिजिनल फ्यूज़ गोज़ देयर, मतलब जो फ्यूज़ बॉक्स से जो खुल के जो निकलेगा वो आपका इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, और राइट हैंड साइड में आपका फ्यूज़ फॉर योर न्यू सर्किट गोज़ देयर, मतलब जो 2 amps का जो दिया गया है वो 2 amps का फ्यूज़ यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का जो फ्यूज़ है जो दिया गया है 2 amps का वो लगेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्यूज़ है, जो आपका स्टॉक फ्यूज़ है गाड़ी से निकल के जो बाहर आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा। रेड वाला जो केबल है वो ACC है, ओके, और येलो वाला जो केबल है वो VCC है। तो अब हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। जो केबल आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कलर कोड देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका लेबलिंग किया हुआ है ACC VCC, तो वो भी देख के आप कर सकते हैं। कलर कोड तो दिया ही हुआ है तो यहाँ पे कोई गड़बड़ होने का कोई भी चांस नहीं है। ये लग इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये पुश करने से लॉक हो जाएगा। ये वाला जो प्लास्टिक का जो सीम आप देख रहे हैं इसको आपको थोड़ा पुश करके इसको कवर अप कर देना है, ठीक है। बात करते हैं फ्यूज़ खोलेंगे कैसे। तो आपको बोनेट पार्ट को ओपन करना पड़ेगा,
इसमें अपने पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ जहाँ पे टाटा नेक्सॉन का फ्यूज़ बॉक्स के डिटेल्स के बारे में सब कुछ बताया गया, तो वो वीडियो का लिंक से लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ पुलर मिलता है, ये व्हाइट वाला जो देख रहे हैं, इसको बस पुश कर, मतलब ये इसको जस्ट दबा के खींचना है और निकल के ये आ जाएगा। अब इसी से आपको फ्यूज़ को पुल करना है। तो जो फ्यूज़ बॉक्स है अंदर में, ये देखिए जो 20 एम्स 15 एम्स है, यहाँ से फ्यूज़ का काउंटिंग शुरू होता है। F1 F2 F3 F3 का स्लॉट खाली है, और F3 रियर जो पावर पॉइंट है सॉकेट का वो वाला है। तो किसी गाड़ी में अगर रियर पावर सॉकेट का पॉइंट उसमें दिया गया है, तब यहाँ से भी आप जो ACC का जो कनेक्शन है वहाँ से भी टैप कर सकते हैं। मेरे गाड़ी में रियर का ऑप्शन नहीं है पावर सॉकेट का, तो मैं यहाँ से टैप नहीं कर सकता। फ्रंट पावर सॉकेट है वो F8। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो ब्लू आप फ्यूज़ जो देख रहे हैं 15 एम्स का, ये मेरा ACC का कनेक्शन हो जाएगा। ओके, और F2 जो ये 15 एम्स का ब्लू वाला जो है, ये हो जाएगा मेरा VCC का कनेक्शन। जैसे मैं F2 को निकालने वाला हूँ, तो ये जो फ्यूज़ पुलर है, आपको ऐसे क्लिप को दबाना है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे इसको फंसाना है और ये फंस गया और ये पुल करने से बाहर आ जाएगा। ओके, येलो आयर में जो दूसरा वाला जो स्लॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरा फ्यूज़ है, मतलब जो स्टॉक फ्यूज़ है, उसको लगाना है 15 एम्स का। दोस्तों एक छोटा सा गलती हो गया है, जो केबल में आपको बताया था मिनी टाइप, वो टाटा नेक्सॉन BS6 में मिनी टाइप नहीं लगेगा, स्पेसिफाइड कनेक्टर एच टाइप लगेगा। हो सकता है BS4 में मिनी लग सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो BS6 है उसके लिए आपको एच टाइप का कनेक्टर यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे जो दो वायर है उसको खोल के फिर से मैंने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे ये यू टाइप का गैप होना चाहिए, तो मिनी टाइप में इस टाइप यहाँ पे गैप नहीं था, इसलिए फॉलोइंग हो रहा था। जब मैंने चेक किया तो इस चीज़ का पता चला। ओके, फ्यूज़ कनेक्शन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से देखने में आपको मिलेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अनबॉक्सिंग करके तो मैंने दिखाया नहीं कुछ भी कि अंदर में क्या क्या मिलता है नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जब बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या पार्ट्स आपको मिलता है, कैसे देखने में मिलता है जब आप रिसीव करते हैं प्रोडक्ट, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके अगर अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं पैकेट में क्या क्या मिलता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि उस पार्ट को अगर इस वीडियो में इंक्लूड करता तो बहुत ज़्यादा और भी लेंदी हो जाता। दोस्तों अब कैमरा इंस्टॉल करने का बारी है, तो विंडशील्ड को बोथ तरफ से आपको क्लीन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे साइनेक्स प्रो यूज़ कर रहा हूँ, जो फोम मास्टर है उसको यूज़ करके मैं कांच में जो भी इसमें डेब्रीज लगा हुआ है अच्छे से क्लीन कर ले रहा हूँ, क्योंकि कैमरा का क्वालिटी टोटली डिपेंड करेगा विंडशील्ड कितना क्लीन है, ठीक है, अंदर से बाहर से दोनों भी। तो मेरे अंदर से भी थोड़ा ऑयली बेस हो गया था, तो वहाँ पर भी मैंने ये फोम को अप्लाई करके क्लीन कर लिया अंदर वाला, तो अभी बाहर वाला भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक स्टैटिक स्टिकर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इसको खोल के चिपकाना है। तो इसको अलाइनमेंट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो डॉटेड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो उसको आपको यहाँ पे रेफरेंस पकड़ना है। तो रियर कैमरा को लगाने के पहले जो विंडशील्ड है बैक साइड में, उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है, जिस एरिया पर आप लगाएंगे, और बाहर का एरिया तो पूरा डस्टी है, तो पानी मार के मैं इसको क्लीन कर लूँगा। तो कैमरा को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है, तो सेम प्रोसीडियर है, पहले आपको सोर्स और एंड जो पोजीशन है दोनों को पहले फिक्स कर लेना है, मतलब देख लेना है बीच में कितना केबल आपका है और कहाँ पे आपको रोल करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है और जो क्लैंप है इसको लगा दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और जो जैक है यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, और ये यूनिक टाइप का जैक है। ओके, और केबल को यहाँ से लेआउट करके मैंने देख लिया है कि कहाँ तक केबल जा रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई भी केबल मैं बचा के ना रहूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामने केबल रह जाएगा, तो यहाँ पे उसको रोल करने में थोड़ा दिक्कत है। तो जो पिन है उसको मैं लगा के देख लूँगा, इधर से मैं कनेक्शन अभी शुरू करूँगा। ओके, स्प्रे टूल जो है काफ़ी काम का है दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी पैनल खोलने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ, इसको आपको चाड़ना है थोड़ा और केबल को पुश कर देना है। ओके, देखो मैं काम दिखा देता हूँ, देखो मस्त काम हुआ है इधर, देखो केबल कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश, ये केबल पूरा यहाँ से अंदर होके गया है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बाकी पीछे का करना बाकी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसा काम करने से भी मज़ा आता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रोफेशनली शुरू कर दूँ डैस काम इंस्टॉलेशन।
ये देखो इधर इतना केबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पे मैं अंदर घुसा दूँगा रोल करके। तो और थोड़ा केबल आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला थोड़ा प्ले रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिक्की को ओपन क्लोज़ करते हैं तो केबल के ऊपर टेंशन ना आए, इसके लिए आपको थोड़ा रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आपको स्लॉट मिलता है, इधर गया, अंदर में पिन मिलता है, उसको से मैचिंग करके आपको इसको लगाना है। ये लग गया। इस चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको बंडल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा केबल है। और यहाँ पे जो केबल है दोस्त, यहाँ पे आपको कट लगाना पड़ेगा गैसकेट में, नहीं तो एक स्लॉट बनाना पड़ेगा, नहीं तो केबल यहाँ से निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे ठीक ठाक से बैठ गया है दोस्तों, और गैसकेट अच्छे से बिठाएगा, क्योंकि यही प्रोटेक्ट करता है जो बाहर का जो पानी है अंदर ना घुसे, यही अच्छे से सील करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हार्ड वायरिंग किट हो गया, कहीं से भी कोई भी केबल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से केबल गया है, ठीक है, यहाँ से होके यहाँ पे अंदर घुस के इसी टाइप को अभी मैं खोल कर रखा हूँ मैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड अभी है नहीं, तो फालतू में अभी पार्किंग मोड में ये ऑन रहेगा और बोलते रहेगा कि एसडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको खोल कर रखा हूँ। और जो रियर कैमरा का जो जैक है यहाँ पे लग चुका है, उसका भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन काम है दोस्तों, कहीं से भी कुछ नहीं है। देखिए फिट एंड फिनिश भी सब कुछ सही है। तो कोई भी तो आप अपने से आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। अगर मैं इस काम को बिना वीडियो शूट किए करता तो आई थिंक 40 to 45 मिनट्स लगता है, एक घंटा भी मुझे नहीं लगता। तो एक झलक कैमरा का भी दिखा देता हूँ। तो कैमरा का बिल्ड क्वालिटी कुछ इस तरह से देखने में आता है। यहाँ पे माइक रीसेट का आता है ऑप्शन, और एक माइक्रो एसडी का। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक 32 का क्लास 10 का माइक्रो एसडी कार्ड है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जो एक्शन कैमरा और डैश कैमरा में यूज़ होता है, उसके लिए माइक्रो एसडी अलग से आपको मिलता है, जिसका स्पीड बहुत हाई होता है, ताकि आप अच्छा जो हाई रेजोल्यूशन एक वीडियो कैप्चर होता है उसका आउटपुट आपको बढ़िया से मिले। उसका भी फुटेज मैं अलग से अपलोड करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखिए। सी टाइप का एक पोर्ट मिलता है, तो ये कैमरा रिवर्सेबल है, मतलब फ्रंट में अगर कैप्चर करना चाहते हो फ्रंट में कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि केबिन के अंदर में कोई जो कोई भी बैठा हुआ है उनका वीडियो आए अंदर में, तो आपको इसको रिवर्स करके खोल के लगा सकते हैं। इसमें माइक के साथ स्पीकर भी आता है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको वॉइस में यहाँ पे बताया जाता है। ऑलरेडी ऐप को मैंने चला के देख लिया है, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा मुझे भी नहीं पता था और जानकारी भी नहीं था, तो फुल जानकारी लेके ये वाला पार्ट बना रहा हूँ। तो गाड़ी ऑन करते ही पहले DDPI का तरफ से एक वेलकम नोटिफिकेशन आता है। ये फर्स्ट टाइम हो चुका है, इसलिए अब दोबारा से तो होगा नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और मेमोरी कार्ड लगाने के बाद ही ये कैमरा हेल्दी होगा, एक्टिव होगा। उसके बाद इनिशियलाइजिंग मेमोरी कार्ड का एक यहाँ पे वॉइस आएगा, एक से दो मिनट के बाद उसका इनिशियलाइजिंग कंप्लीट का एक फिर से यहाँ पे साउंड आएगा। तो ये होने के बाद आपका कैमरा रेडी है, फिर आपको कुछ नहीं, इसका जो वाईफाई है, वाईफाई जो भी इसका नाम आएगा DDPI की तरफ से, उसको आप सिलेक्ट करके उसको कनेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है 12345678 90, अगर ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है इनकेस, तो आपको एक मैनुअल बुक है, मैनुअल बुक से आप देख सकते हैं कि कुछ पासवर्ड कुछ चेंज हुआ है नहीं। तो यहाँ पे मैं इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, फिर से पार्किंग मोड ऑन था। और एक चीज़ मैंने नोट किया कि 3 घंटे पहले मैंने पार्किंग मोड को मेरा ऑन हुआ था, तब बैटरी का वोल्टेज मेरा यहाँ पे था 12.4, क्योंकि मेरा यहाँ पे दिखाता है, और अभी जब गाड़ी को मैंने ऑन किया तब भी 12.4 ही था। तो अच्छा बात है कि बैटरी ड्रेनिंग का इशू ज़्यादा नहीं है। DDPI का ऐप्स में आपको जाना है, तो कनेक्शन मेरा बन गया है, और वाईफाई का नाम मैंने चेंज कर दिया, मेरे चैनल का नाम से भी कर दिया ऑसम टेक राइडर। तो ये कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का सेटिंग्स मिलता है, एक है डिवाइस के अंदर में, दूसरा है मी के अंदर में, ठीक है। मी में पहले आपको अपना जो
मेल आईडी है, मेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद उसमें और भी कुछ ऑप्शन आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो डिवाइस में चलते हैं, यहाँ पे कनेक्शन पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई में मेरा DDPI ऑथेंटिक राइडर आ गया है, पासवर्ड मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, सेम है। तो ये कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट होते ही यहाँ पे कैमरे का शायद ये कनेक्शन अपना बनाएगा और ये हमेशा रिकॉर्डिंग मोड में रहता है, लूप में चलते रहता है हमेशा। तो ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है। तो देखिए ऊपर में रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग अभी सब दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो मैंने उसको अभी हटा दिया है, ठीक है। वो अलाइनमेंट के लिए बेसिकली रहता है, 80 शेप का रहता है वो, अलाइनमेंट के लिए होता है कि गाड़ी का जो जो व्यू आपका है वो आपका लेफ्ट एंड राइट इन 50-50 आ रहा है नहीं, ठीक है। तो उसको मैंने अभी हटा दिया है। ये ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं रियर का है, तो इसको क्लिक करने से रियर व्यू मुझे मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमको मिलता है। तो यहाँ पे नाउ एंड बैक का एक ऑप्शन फर्स्ट आता है, कैप्चर का आता है, इमरजेंसी का आता है। अगर इमरजेंसी मतलब कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ होता है, इमरजेंसी कुछ कॉलिजन अगर होता है तो उस वक्त इमरजेंसी इस फोल्डर में वो कॉलिजन का जो भी पार्ट है, एक्सीडेंट का जो पार्ट है, ये जो भी एक्टिविटी हुआ वो सब कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है ऊपर में, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डैश कैम इंस्टॉलेशन गाइड, इसको आप ये वाला जो वैनिशिंग हॉरिजन, ये वाला मैं लाइन बता रहा था, वैनिशिंग हॉरिजन और फ्रंट लाइन ये वाला, तो ये आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा, उसको आप अलाइनमेंट करके क्रॉस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। शो ऑक्सिलरी लाइंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं अगर बैक करता हूँ तो देखिए ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए है, तो इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, H.265 इनकोडिंग। ये अगर आपका फ़ोन सपोर्टेड है इस वीडियो इनकोडिंग, तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी आपका एकदम सेम रहेगा, बढ़िया क्वालिटी रहेगा और वीडियो कम स्पेस रहेगा कंपेयर टू H.264 जो पहले का टाइम में था। तो इसके लिए जो फ्लैगशिप जो मोबाइल है, ये हायर एंड जो मोबाइल रहते हैं उसमें ये अगर सपोर्ट करता है तभी जाके ये ऑप्शन आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करके रखा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन ही मिलेगा। रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, तो मैं हायर एंड में रखा हूँ 2K प्लस में, जो कि 1600p में है, क्योंकि मुझे क्वालिटी अच्छा चाहिए। डेट वाटर मार्क, जो DDPI का जो एक वाटर मार्क आता है डेट के साथ, उसको अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। शो स्पीड, हाँ मुझे स्पीड चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइल पर आवर का दिखाता है, किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करके मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आ गया रियर लेंस स्क्रीन रोटेट अप एंड डाउन। तो फर्स्ट टाइम ये मुझे जो रियर व्यू जो मेरा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो रियर व्यू में आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा। देखिए पूरा जो व्यू एकदम उलट गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम आप फेस कर सकते हैं और लेफ्ट एंड राइट का भी आप इशू फेस कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सेटिंग्स में आपको यहाँ पे आपको इसको ऑन करना है, ठीक है। रियर लेंस स्क्रीन फ्लिप एंड राइट, तो आप किस तरह से व्यू को देखना चाहते हैं, रियर को लेफ्ट वाला लेफ्टी देखना चाहते हैं, राइट वाला राइट के हिसाब देखना चाहते हैं, ये फ्लिप मोड में देखना चाहते हैं तो या करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला सेटिंग है। तो आप सेटिंग में नीचे चलते हैं, नीचे में आपको स्पीकर वॉल्यूम मिलता है, तो ये फुल वॉल्यूम है। अगर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पर, तो वॉल्यूम कम गया, तो मैं फुल करके इसको रखता हूँ। माइक्रोवेव रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं इसका इंटरनल जो माइक है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। स्विचिंग टोन, अगर कोई मोड में चेंज करने के लिए जो साउंड होता है अगर वो नहीं चाहिए तो उसको भी ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चर वीडियो क्लिप्स व्हेन टेकिंग ए फोटो, अगर सिर्फ फोटो ही आपको लेना है तो वो फोटो लेगा, लेकिन उसके लिए ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन फोटो के साथ अगर कुछ क्लिप अगर ऐड करना चाहते हैं 4 सेकेंड 10 सेकेंड 20 30, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो फोटो के साथ थोड़ा एक क्लिप भी ये ऐड कर लेगा। उसके बाद आते हैं बहुत वाइटल वाला चीज़ है, एडजस्ट कॉलिजन सेंसिविटी। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल पे मैं रखा हूँ, हाई पे अगर रखते हैं तो क्या होगा, जितने भी गड्ढे वड्ढे जो भी है हल्का फुल्का वो सेंस करते ही कॉलिजन सेंसिविटी एक्टिव हो जाएगा और इमरजेंसी जो फोल्डर है वहाँ पे वो पार्ट रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इतना सेंसिविटी की ज़रूरत नहीं है, मैं मीडियम में रखा हूँ अभी, ये सेटिंग भी गड़बड़ कर रहा है या बहुत सेंसिविटी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो इसको मैं लो में रखूँगा। ओके, तो बैक करते हैं अभी, तो फिर आपको मिलता है आफ्टर व्हीकल इज टर्न ऑफ। तो ये आपको ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब आपका पार्किंग मोड अगर गाड़ी में ऑन रहे, हार्डवेयरिंग अगर किट है परचेस करके इंस्टॉल किए हैं जैसे मैंने दिखाया, तभी जाके ये एक्टिव होगा। तो इसके अंदर में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक है स्ट्रिंग द वीडियो जो कि 1 FPS में रिकॉर्ड होते रहेगा जब भी पार्किंग मोड में जाएगा, तो बहुत ही कम स्पेस में अच्छा क्वालिटी में ये रिकॉर्ड
कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, दूसरा हो गया ऑर्डिनरी वीडियो, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वैसे ही आपका वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें होगा, कोई भी स्पीड अप या स्पीड डाउन का यहाँ पे कुछ हरकत नहीं होगा। डोर में से में क्या है कि कैमरा आपका स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा और जब भी कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ हरकत होगा गाड़ी में, तो ये इसका जो कैमरा है ये ऑन हो जाएगा और उस क्लिप को वो इमरजेंसी में वो ऐड कर देगा। तो अगर डोरमेस में करते हैं तो बैटरी आपका बहुत ज़्यादा बचेगा, लेकिन क्या क्या एक्टिविटी हुआ है आसपास में वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग द वीडियो मेरे लिए ठीक है। उसके बाद आता है कि पार्किंग मोड में आप कितना देर के लिए वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो रिकमेंडेड तो है 48 आवर्स, लेकिन मैं यहाँ पे 24 आवर्स, सबका अपना अपना पसंद है, तो मैं यहाँ पे 24 आवर्स करके मैं रखा हूँ, क्योंकि BS6 व्हीकल है तो उसमें बैटरी का इशू रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस चक्कर में थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि BS6 व्हीकल है तो बैटरी का तो एक रहता है BS6 में, बहुत वाइटल चीज़ रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ पर 24 आवर्स वहाँ पर रखा हूँ। बाद में देख लूँगा, अगर ज़्यादा बैटरी ड्रेन का इशू नहीं है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। फिर आता है कि व्हीकल बैटरी प्रोटेक्शन। तो वही जो अभी मैंने बताया कि बैटरी ड्रेन अगर BS6 में हो गया तो गाड़ी और वहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है, आप पूरा पूरी फंस जाएंगे, तो उसके लिए ये सब ऑप्शन है। जैसे मेरे व्हीकल में नॉर्मली रहता है 12.5 इस टाइप का रहता है जब बंद करता हूँ। तो अगर हायर एंड में अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ पे हाई में अगर कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम ये होगा कि पार्किंग मोड में जाते ही ये पार्किंग मोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज लेवल को वो सेंस कर लेगा कि इसके नीचे मेरा आ गया है। तो मेरे लिए बेस्ट है कि लो 11.8, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आते हैं नीचे में जो डैश कैम वाईफाई नेम, जैसे मैंने नेम सेट किया पहले बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन याद रखिए जब भी नाम आप चेंज करेंगे और डन करेंगे तो वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा, फिर से नया से पेयरिंग करना पड़ेगा। सेटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर से बस पासवर्ड मांगेगा, तो आपको फिर से पेयरिंग करना है। तो ये डैश कैम का पासवर्ड है, फिर से अगर पासवर्ड कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैनेज डैश कैम स्टोरेज, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना स्टोरेज पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% वीडियो भर गया है और यहीं से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आते हैं अबाउट डिवाइस, अगर डिवाइस में कुछ अपडेट आता है तो ये एप्लीकेशन कनेक्ट होते ही यहाँ पे आपको वर्जन दिखा देगा और यहाँ से आप इसका और यहीं से जो भी फर्मवेयर है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो अबाउट डिवाइस में जाना है और यहाँ पे वर्जन आप देखिए V7.1.0.6 है, तो अभी ये अपडेटेड है, नहीं तो यहाँ पे मैसेज आ जाता। ओके, तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। इस पेज में जो भी सेटिंग था मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बता दूँ जो इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। ओके, मैं फ्रंट को ऑन कर दूँ। देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग जब होगा, जो भी पार्ट आपका होगा, मान लीजिए ये नीचे वाला जो पार्ट है मेरा कैप्चर ऑलरेडी होकर रखा है, जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बार जो देख रहे हैं, ये जब पार्किंग मॉनिटरिंग ऑन था उसके लिए कलर ये रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतना हाई स्पीड में बाहर में कोई आया था कोरियर सर्विस, तो वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। तो 1 फ्रेम पर सेकंड में ये रिकॉर्ड होते रहेगा। अगर उस पार्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखिए, गाड़ी में तो 2 कैमरा है, फ्रंट और रियर में, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट का दिखा रहा है, पीछे में भी क्या क्या हो रहा था गाड़ी का वो भी अगर देखना है सेम टाइम फ्रेम में, तो ये वाला है। तो आपको ये चीज़ अलग अलग डाउनलोड करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ अगर फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो आपको मान लीजिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो ये करने के बाद आपको डाउनलोड में क्लिक करना है, डाउनलोड आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट डाउनलोड हो रहा है, रियर वाला नहीं, ठीक है। रियर वाला पार्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेम टाइम फ्रेम सेकंड में आपको जाना है वहाँ पे। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेम टाइम फ्रेम सेकंड में आपको जाना है यहाँ पे और रियर को दबाना है, तो रियर कैमरा का जो भी यहाँ पे था वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए, ये बैक वाला जो चल रहा है पार्किंग मोड, इसको आप डाउनलोड जब करेंगे तो ये डाउनलोड होगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो आपको इसमें अलग अलग ऑप्शन मिलता है, ठीक है, एक साथ में फ्रंट और रियर का डाउनलोड नहीं होता है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा, टुडे और प्रीव्यू। टुडे मतलब आज के दिन में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ वो सब चीज़ आपको दिखाएगा, और जो येलो जो पार्ट आप देख रहे हैं हर जगह में, यहाँ पे हर बार जितना बार मैंने गाड़ी बंद किया है वहाँ पे पार्किंग मोड ऑन हो गया है, तो वो पार्ट वो सब दिखा रहा है, ठीक है। तो और प्रीव्यू में क्या है, अभी ये लाइव दिखा रहा है, ठीक है, लाइव फुटेज दिखा रहा है सामने, जो भी मेरा सामने है, और इसको मैं बैक करूँगा तो बैक मेरा दिखाएगा, ठीक है। पे ADS का एक सिस्टम है,
जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कहते हैं जिसको, तो उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे एक SR मोड है, इसको आप ऑन कर लीजिए। तो ये ऑन करते ही यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आपको दिखाएगा, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक एक देता है दोस्तों। जब आप ड्राइव करने के बाद जो भी वीडियो आपका कैप्चर होता है, या अगर फ़ोन को अगर कहीं पर अगर आप लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये एकदम लाइव आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना स्पीड में चलता है, ठीक है, कितना एलिवेशन में है, कितना हाइट में है, कितना डाउन में आप जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में, कंपास आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। और एक चीज़ बात है दोस्तों कि कैलिब्रेट करना पड़ता है, जब आप 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जब जाएंगे और कुछ देर तक जब आप हाईवे चलाएंगे या कंटिन्यू चलाएंगे, तो ADAS सिस्टम जो है अच्छे से कैलिब्रेट हो जाता है, उसके बाद ही इसका मज़ा आप ले पाओगे, ठीक है। तो इसमें और एक फीचर क्या है कि सामने मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, जो भी है, तो वो गाड़ी कितना डिस्टेंस में आपके गाड़ी से है वो भी आपको यहाँ पे लाइव दिखाएगा, और वो गाड़ी आपके गाड़ी के हिसाब से कितना जो रेफरेंस जो स्पीड है वो भी आपको दिखाएगा, वो गाड़ी कितना तेज़ भाग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे फुल डिटेल्स कैप्चर होने वाला है, आप देख सकते हैं। डेटा में आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलता है यहाँ पे, फुल डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलता है, देख सकते हैं, एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक है। कंपास को अगर मैं जो ट्रैक है उसको अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरा लोकेशन अभी दिखा रहा है, मैं कहाँ पे अभी हूँ। स्क्रीन अभी ग्रे कलर का हो गया, ये SD कार्ड का प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा था, अगर SD कार्ड में स्पीड नहीं है, अगर वो अच्छा उतना नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम आते रहेगा। ओके, अब सेटिंग में चलते हैं, जो मी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आते हैं। मी में आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ मिलता है, ठीक है, जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे यहाँ पे और भी डेटा यहाँ पे और भी मिलता रहेगा आपको। तो लोकल एल्बम जो मैं बता रहा था, वहाँ पे लोकल एल्बम में क्लिक करते हैं, तो ये कुछ पार्ट है जो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो ये कुछ रियर फुटेज है, मैंने लिया था, मैं आपको और भी अच्छे से दिखाऊँगा कैप्चर करके। ये सब मैंने जब टेस्ट कर रहा था कि क्या है फंक्शन है, वो सब का ये फुटेज है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऐप सेटिंग है, यहाँ पे आपको माइल्स पर आवर, आपको किलोमीटर पर आवर का आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड इवेंट इमेज और डाउनलोड इवेंट वीडियो, तो आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, मेजरिंग यूनिट जो है बाई डिफ़ॉल्ट ये माइल्स पर आवर रहता है, आप किलोमीटर पर आवर में यहाँ करना पड़ेगा। ऐप स्टोरेज मैनेज में आपको यहाँ पे कुछ और भी डिट्स मिलता है, तो ये फ़ोन का रिजर्व स्टोरेज है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना फाइल हो रहा है नहीं हो रहा है ये यहाँ पे दिखाते रहेगा, जो लोकल फाइल जो है अपने हिसाब से इसकी कैपेसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आपको अलाउ सेविंग द ऑपरेटिंग डेटा, मतलब ये कुछ क्लाउड में आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपना, आप इन फ्यूचर फ़ोन अपना चेंज करते हैं तो इसको सिंक्रोनाइज करके जो भी डेटा है आप यहाँ से रिट्राइव कर सकते हो। ड्राइविंग स्कोर, तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है कैसे कैसे आप गाड़ी को चलाए हैं और क्या क्या उसमें डेटा आपको मिला है, ये सब चीज़ आपको दिखाएगा यहाँ पे। रैपिड एक्सेलरेशन, हार्ड ब्रेकिंग, सडन टर्न, ठीक है, ये सब डेटा दिखाएगा, एलिवेशन का दिखाएगा, बाकी और भी बहुत कुछ है दोस्तों। यहाँ पर डेटा कलेक्शन अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक उतना मैंने ड्राइव किया नहीं है, बस एक दो ही किलोमीटर, एक से डेढ़ किलोमीटर होगा शायद मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे ही इतना छोटा सा रूट मैं अपने कॉलोनी में लगा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेटिंग में और एक चीज़ दिखाना बाकी है, जो ये होम पेज है यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई देता है, इसमें क्लिक करने से आपको एक क्विक एक्सेस मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये जाके एक्टिवेट होगा। तो अभी ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ, 3 डॉट को मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक क्विक सेटिंग मिलता है जहाँ पे स्पीकर हाई लो का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका मिल जाता है कोलिजन सेंसिटिविटी मिडिल, ठीक है, पार्किंग मॉनिटर, तो ये सब चीज़, माइक्रोफोन ओपन, मतलब माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करना है नहीं करना है, मोर सेटिंग में जाने से जो मेन सेटिंग है वहाँ पे ये घुस जाएगा, ठीक है। रेड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इमरजेंसी लिखा आ रहा है, तो ये इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं इमरजेंसी में जाता हूँ, तो यहाँ पे लोकल फाइल में मैं ट्रांसफ़र कर लिया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो भी फ्रंट रियर का यहाँ पे वीडियो भी बना हुआ है ये दो, और उसके रिलेटिव जो पिक्चर जो हैं वो भी यहाँ पे बन कर रखा हुआ है।
तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियो बनाने में, क्योंकि अलग अलग टाइम में वीडियो कैप्चर करना पड़ता है। तो 2 दिन लग गया पूरा ये चीज़ कंप्लीट करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कैमरे के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इसी टाइप का वीडियो और देखना चाहते हैं और इसके ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।